वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 201 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं, सॉल्व एमसीक्यूज भी करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको करवाए जाएंगे एमसीक्यूज के बाद। तो पहला ये कि ब्रीफली एक्सप्लेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद एग्जाम्पल, यानी कि ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद ये वाटर पॉइंटर्स, पॉइंटर्स क्या हैं। उसके बाद ये वाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद है डिस्क्राइब एरे, एरे को डिस्क्राइब करें। उसके बाद ये ब्रीफली डिस्क्राइब सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्रीफली तौर पर डिस्क्राइब करें सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो अब एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे सोल्यूशन के साथ उसके। तो सबसे पहले ये सिंटेक्स ऑफ अ यूनियन, सिंटेक्स जो है एक यूनियन का इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है किसके साथ, स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक यूनियन जो है इज अ यूजर डिफाइंड डेटा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है डेट कंटेन ओनली डैश फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ मेंबर एट अ टाइम, जिसके अंदर सिर्फ क्या है वन ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो मेंबर लिस्ट होती है उससे एट अ टाइम जो है। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ मोड, वो मोड नहीं है रीडिंग या राइटिंग के लिए, रीडिंग और राइटिंग द डेटा फ्रॉम अ फाइल, वो है ट्रंक। सो ट्रंक इज द आंसर। उसके बाद बाकी जो ऑप्शन है वो इन आउट और गेट है। सो उसके बाद ये कि इन सी और सी प्लस प्लस, सी या सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम देखते हैं इन लैंग्वेजेस के अंदर जो हेडर फाइल है यूज की जाती है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, वो इनमें से क्या है, वो है स्ट्रिंग डॉट एच। सो दिस वन इज द आंसर। और उसके बाद ये कि एक 2D एरे मल्टी 510 कैन बी एक्सेस, को एक्सेस किया जा सकता है यूज करते हुए एरे नेम एज मल्टी। सो ये जो टेक्निक है वो इनमें से क्या है, वो है डबल डी रेफरेंसिंग, डबल डी रेफरेंसिंग इसका आंसर है। और सी जो है वाइडली तौर पे जानी जाती है डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की, यूनिक्स की, यूनिक्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है आपके सामने कि एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 7, सो ये है एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू 1 इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि यूनिक्स हैज बीन डेवलप, उसको डेवलप किया गया है यूनिक्स को कौन सी लैंग्वेज के अंदर, सी के अंदर, सी इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर जो है डज नॉट मीन, इसका डिक्लेयर करना स्ट्रक्चर्स को इसका ये मतलब नहीं होता कि मेमोरी जो है वो एलोकेट की जा चुकी है। सो ये बात जो है वो सही है, डिक्लेयर करने का ये मतलब नहीं कि मेमोरी को एलोकेट कर दिया। उसके बाद ये व्हेन एन एरे एलिमेंट, जब एक एरे एलिमेंट जो है पास किया जाता है एक फंक्शन को, इट इज पास बाय, इसको पास किया जाता है किसके जरिए, रेफरेंस के जरिए, रेफरेंस इज द आंसर हेयर। और उसके बाद देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आउटपुट क्या है, जो स्टेटमेंट आपको दिखाया जा रहा है इसका आउटपुट जो है वो एरर है, एरर इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि द कंडीशन, कंडीशन जिसके अंदर व्हाइल लूप के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है बट नॉट द रिलेशनल एक्सप्रेशन, सो ये बात जो है वो गलत है। उसके बाद ये कि सर्चिंग इज ईजियर, सर्चिंग जो है वो ईजी होती है जब एरे जो है ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है, ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि इफ एन एरे, अगर एक एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, सो व्हाट्स अलाउएबल रेंज, अलाउएबल रेंज क्या स्क्रिप्ट्स की, वो है 0 to 99, सो 0 to 99 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये इफ द ब्रेक स्टेटमेंट, अगर ब्रेक स्टेटमेंट जो मिस होता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर तो क्या होता है, दिस में कॉज अ लॉजिकल एरर, ये जो है सबब बनता है एक लॉजिकल एरर का। और उसके बाद ये कि जो मेंबर फंक्शन टेल जी है, ये रिटर्न करता है करंट लोकेशन ऑफ द डैश पॉइंटर, कौन से पॉइंटर का, गेट का, गेट इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये व्हाट डज F6 इवैल्यूएट टू डेसिमल वेयर इज बिट और ऑपरेटर, ये है 7 इसका आंसर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन इनमें से कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है जो साइज ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल है, वो है strlen। और उसके बाद ये कि व्हाट विल बी द रेंज, रेंज क्या होगी नंबर्स की जिसको जनरेट किया है फंक्शन से, और फंक्शन आर और ब्रैकेट्स और परसेंटेज 9, वो है 0 to 8, 0 to 8 होगी इसकी रेंज। और उसके बाद ये कि कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिर्फ मशीन लैंग्वेज कोड, ये बात सच है, ह्यूमन लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और उसके बाद ये कि इफ द फाइल, अगर फाइल जो प्रॉपरली क्लोज नहीं है प्रोग्राम के अंदर, सो जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा, प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाता है अगर फाइल जो प्रॉपरली नहीं है। अब ये कि इन इफ स्ट्रक्चर, इफ स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्लॉक है स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होता है कब, जब व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। उसके बाद ये कि डीलिंग विद स्ट्रक्चर्स, डील करना स्ट्रक्चर्स के साथ एंड फंक्शंस पासिंग बाय रेफरेंस, ये जो मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है, सो ये बात जो है वो ट्रू है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू।
उसके बाद ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम नहीं हो सकता, वो है 10 एरिया। सो 10 एरिया इज द आंसर हियर। नेक्स्ट ये कि विच लूपिंग प्रोसेस, कौन सा लूपिंग प्रोसेस जो वो बेस्ट है व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन, जब नंबर ऑफ आइट्रेशन जो वो नॉन है वो है 4, 4 इज द आंसर हियर। उसके बाद ये विच करेक्टर, कौन सा करेक्टर जो है उसको इंसर्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एंड के ऊपर, ताकि इंडिकेट किया जाए एंड ऑफ स्ट्रिंग, वो है नल, नल इसका आंसर हो गया। और उसके बाद ये कि कमेंटिंग द कोड, कोड को जो है कमेंट करना, ये क्यों किया जाता है, कमेंट्स क्यों दी जाती है कोड के ऊपर, मेक्स अ प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अदर, ताकि प्रोग्राम को जो है वो, यानी कि जो कोडिंग की गई है, प्रोग्राम लिखा गया है, उसको इजी बनाया जाए कि दूसरे भी समझ सकें कि किस तरीके से कोड लिखा गया है और कौन से कोड का क्या मतलब है। उसके बाद ये फॉर विच एरे, कौन से एरे के लिए, द साइज ऑफ एरे शुड बी, साइज जो होना चाहिए एरे का शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, वो है 4, char। और उसके बाद ये कि द फंक्शन ऑफ सी इन, सी इन का जो फंक्शन है वो क्या है, इज टू रीड डेटा, रीड करना डेटा को फ्रॉम कीबोर्ड, इज टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, ये इसका फंक्शन है। और वर्ड प्रोसेसर इनमें से क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की टाइप है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो। और जो करेक्ट सेंटेंस है डू व्हाइल लूप का, वो इनमें से क्या है, वो लास्ट वन जो ऑप्शन है कि डू स्टेटमेंट्स एंड व्हाइल कंडीशन वाला, सो दिस वन इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर इंक्लूडेड इन stdlib.h हेडर फाइल, वो है 1 और 2 ओनली, सो दिस इज द आंसर। अब आपके सामने जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। पहला ये कि ब्रीफली एक्सप्लेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल्स के साथ। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जिसको डिज़ाइन किया गया एंड यूजर्स के लिए, यूज़ कौन करेगा, एंड यूज़र। और एग्जाम्पल जो एक प्रोग्राम, जैसे कि अकाउंटिंग के लिए कोई प्रोग्राम बनाया गया, पेरोल के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के लिए, एंड गाइडेड सिस्टम फॉर प्लान्स, GPS, एंड अनदर सॉफ्टवेयर, अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बींग यूज इन व्हीकल, व्हीकल के अंदर यूज़ हो रहा है, व्हीकल के अंदर भी यूज़ हो रहा है, गाड़ियों के अंदर, जिसके ज़रिए सेटेलाइट जो है वो मालूम करती है जो ज्योग्राफिकल पोजीशन होती है व्हीकल की। और अक्सर आप देखते हैं कि जो कैब्स सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं वो भी, उनकी भी जो ऐप्स पे लोकेशन आ रही होती है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, जो गाड़ी बुक की होती है। उसके बाद ये कि व्हाट आर पॉइंटर्स, पॉइंटर्स क्या हैं, पॉइंटर्स जो है वो स्पेशल टाइप होती है वेरिएबल्स की, जिसके अंदर मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टोर होता है, और इसके अंदर जो एक मेमोरी एड्रेस होता है, ना कि जो वैल्यू होती है वेरिएबल की। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ये जो एक प्रोग्राम होता है जो कि परफॉर्म करता है बहुत ही स्पेसिफिक टास्क, यूजुअली जो कि रिलेट करता है मैनेजमेंट सिस्टम रिसोर्सेज से। और आपने जो है वो नोटिस किया कि यूटिलिटी जो है डिसकम्प्रेशन की, और जब कभी भी आप एक आप लिखते हैं एक फाइल और सेव करते हैं उसको डिस्क के ऊपर, कंप्रेशन यूटिलिटी जो है वो कंप्रेस करता है फाइल को और लिखता है उसको डिस्क तक। सो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं इस फाइल को डिस्क से, सो कंप्रेशन यूटिलिटी अनकंप्रेस करता है फाइल और शो करता है उसके जो कंटेंट्स है होते हैं वो। उसके बाद ये डिस्क्राइब एरे, एरे को डिस्क्राइब करें, एरे क्या है, एरे जो एक स्पेशल डेटा टाइप है, और अगर हमारे पास जो एक कलेक्शन होती है डेटा की सेम टाइप की, जैसे कि केस ऑफ स्टोरेज के, एज इन द केस स्टोरेज के केस के अंदर एजेस ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स की एजेस जो है, अरे को यूज़ किया जा सकता है। अरे जो है वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर आइडेंटिकल डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है अरे का वो जो है एक्सप्लेन किया गया है आपके हैंडआउट के अंदर। सो सी लैंग्वेज के अंदर हर अरे का जो है वो डेटा टाइप है, जैसे कि नेम और साइज, और डेटा टाइप जो वो हो सकती है वैलिड डेटा टाइप, और रूल ऑफ वेरिएबल जो है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन जो अप्लाई किया जाता है एरे नेम्स को, और जो साइज है एरे का बताता है कि कितने एलिमेंट जो है वो है एरे में, और जो साइज ऑफ एरे है वो होना चाहिए प्रिसाइज नंबर, और एरे जो है वो ऑक्यूपाई करता है मेमोरी डिपेंडिंग के जो उनका साइज है, और होती है कॉन्फ़िगरेशन एरिया जो मेमोरी की, सो हम एक्सेस कर सकते हैं एरे यूज करते हुए एरे इंडेक्स। उसके बाद ये कि ब्रीफली डिस्क्राइब सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ब्रीफली डिस्क्राइब करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, ये कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, और कंट्रोल करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो ऑपरेशन के, सब कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटीज है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।